हेलो एंड वेलकम टू textbook.com। हाल ही में SSC ने जे यानी जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जब भी कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है या हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं और इसी तरह के जो सवाल हैं वो हमारे मन में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को लेकर भी ज़रूर आते होंगे। जैसे कि अगर हम जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारी सैलरी क्या होगी, हमारा काम क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, और जो कैंडिडेट्स तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके मन में सवाल आता है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि SSC जूनियर इंजीनियर जो JEE होता है इसमें पूरी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले देखिए एक चीज कि ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है, क्योंकि SSC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रिक्रूटमेंट जो है वो कंडक्ट कराता है। दिल्ली में जो आपके दिल्ली पुलिस वगैरह में आते हैं वो भी SSC कराता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। तो SSC जो है वो मोस्टली नेशनल लेवल के एग्जाम कराता है। तो SSC का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल का होता है। इसमें आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो जूनियर इंजीनियर के रूप में मिलती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिलती है, जैसे कि आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हो गया, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, फरक्का बराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको NTRO बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स हो गया, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं इनके अंदर आपको JEE के रूप में पोस्टिंग मिलती है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो कोई भी कैंडिडेट जिनकी एज 30 या 32 साल है, 30 या 32, देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स में जो एज लिमिट है वो 30 साल रखी जाती है, कुछ में एज लिमिट जो है 32 साल रखी जाती है। क्वालिफिकेशन आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको कुछ डिपार्टमेंट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, कुछ में सिर्फ डिप्लोमा से काम चल जाएगा, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर आपके पास डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिजिबल है अगर आप, अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए देखिए आपका पेपर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसका मैं एग्जाम पैटर्न भी आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम पैटर्न है। पेपर 1 में आपका देखिए सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 सवाल 50 नंबर के आते हैं, फिर आपके जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर के आते हैं। पार्ट 3 में आपका क्या होता है, जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है, सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, उस स्ट्रीम के क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। फिर पेपर 2 आपका रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपका क्या होता है, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपके आते हैं 300 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया, सिलेक्शन प्रोसेस पता लग गया। अब सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपके कैरियर की ग्रोथ क्या होगी और आपका काम क्या होगा। तो सैलरी देखिए Pay Level 6 में आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में Pay Level 6 में जो बेसिक पे है वो 35,400 होती है और इसमें अलाउंसेस मिलती है, जैसे आपका DA डियरनेस अलाउंस हो गया। डियरनेस अलाउंस जो है हर 6 महीने में आपका रिवाइज होता है, प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 38% के रेट से आपको DA मिल रहा है। फिर आपको HRA मिलता है, HRA जो आपको होता है वो आपको जो आप घर लेते हैं मकान लेते हैं उसका किराया आपको मिलता है, इसका एक फिक्स रेट होता है। अगर आप बड़े शहर में से दिल्ली में आप मुंबई में तो आपको 27% मिलेगा, फिर आप छोटे शहर में आते हैं तो 18%, और अगर आप उससे भी छोटे शहर में आते हैं तो आपको 9% के रेट से HRA मिलता है, बाकी अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 60,000 के आसपास यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, आपको काम क्या करना होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले जो आपका काम है या जो आप जहाँ पर अपॉइंटेड है वहाँ पर जो काम चल रहा है उसका सुपरविजन आपको करना होता है। सुपरविजन यानी कि देखिए आपको क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस वगैरह हैं वो सारे आपको देखने होंगे। फिर आपको प्लानिंग का काम करना होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर आपके डिपार्टमेंट में आता है तो उस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट से लेकर उसके पूरा होने तक का जो आपको प्लानिंग है वो करनी होगी। आप असाइंड होते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट आया, अब ये कैसे प्रोजेक्ट जो है इसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, कैसे होगा ये प्रोजेक्ट, आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर इसके जो पूरा जो है एग्जीक्यूशन तक का जो है काम आपको देखना होता है। स्कीम एग्जीक्यूशन यही है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता है, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कराना चाहती है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक बार अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको जो पूरा स्क्रीन है वो विजिबल हो जाए। ये देखिए तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की, गवर्नमेंट ने
कोई प्रोजेक्ट भेजा आपके डिपार्टमेंट को, अब उसकी रिक्वायरमेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मतलब और भी लोग होंगे आपके डिपार्टमेंट में लेकिन आपका भी ये काम होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या अकाउंट्स का, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है तो उसमें जो खर्चा है उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना कहां पर इन्वेस्ट होगा, ये सारे काम भी आपको देखने होते हैं। उसके बाद जो आपकी सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, उनको असिस्ट करने का काम भी आपको करना होता है। तो ये आपका मोटा मोटी जॉब प्रोफाइल रहता है। थोड़ा बहुत जॉब प्रोफाइल में अंतर आता है आपके डिपार्टमेंट पर कि आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। उसके बाद देखिए आपका जो प्रमोशन है वो आपका होता है SSC एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर, और फिर आपका अगला प्रमोशन होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर। तो ये आपका प्रमोशन रहता है। तो हमने ओवरऑल देखिए यहाँ पर जो SSC जूनियर इंजीनियर होता है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। एलिजिबिलिटी से लेकर प्रमोशन तक सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब देखिए अब आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपका एग्जाम कोई भी हो, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है आपका टेस्ट बुक पास, क्योंकि उसके साथ आप घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अभी आपके फेवरेट टेस्ट बुक पास पर देखिए ऑफर भी चल रहा है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम की, AEJEE की, तो देखिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ तैयारी कीजिए, जहां पर आपको मिलेंगे सुपर टीचर्स और इसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, 25 प्लस सुपर टीचर्स के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 300 प्लस स्टडी नोट्स, 500 प्लस प्रैक्टिस सेट्स, और उसके साथ साथ क्विक डाउट रेजोल्यूशन, यानी जो आपके डाउट्स हैं वो बहुत ही तेज स्पीड में सॉल्व किए जाएंगे। तो और ये सब आपको मिलेगा बहुत ही किफ़ायती रेट पर, यानी आपको मिलेगा 625 पर मंथ पर। और अगर आप AEJEE20 ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और आपके फेवरेट टेस्ट बुक पास पर तो देखिए ऑफर चल ही रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज़ करना है CMPASS, आपको 499 की जगह 400 में ये टेस्ट बुक पास मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलिए सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेस्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।